हेलो जी, आप सब कैसे हो? ओपन में आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको काली दाल, जिसको माखी दाल या दाल मखनी कहते हैं, वो वाली सिंपल वे में बनाना सिखाऊंगी। आप एक कटोरी अगर दाल बनाना चाहते हो तो उसमें 3/4 जो दाल है वो काली होनी चाहिए और 1/4 दाल जो है वो चने की होनी चाहिए, ठीक है। इस दाल को भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कुकर में 2.5 से 3 कटोरी पानी डालो, ये दोनों दाल धो के डालो, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, 3-4 लौंग और थोड़ी सी हींग डाल के कुकर बंद कर दो और विसल लगने के बाद गैस आस्ता करके 30 मिनट से 40 मिनट तक आप इसमें गैस के ऊपर रहने दो। ये आपके कुकर के ऊपर डिपेंड करता है कि दाल कब गलती है, ठीक है। अब 45 मिनट्स या 30 मिनट्स हो जाएँ तो आप दाल बंद कर दो। इसके बाद इस दाल में तड़का भी जो लगाना है बहुत सिंपल लगाना है। आप इसमें 3 टमाटर ले लो, एक कटोरी दाल में 3 नहीं तो 2 टमाटर ले लो, 2 हरी मिर्च ले लो, टमाटर को ग्रेट कर लो या मिक्सी में पीस लो। इसमें 1-1.5 कटोरी पानी डालो और थोड़ा सा घी डालो। इसको बॉयल होने के लिए 15-20 मिनट के लिए आस्था गैस पे रख दो। और हाँ, दाल में मैं नमक मिर्च बताना तो भूल ही गई। दाल में अपने हिसाब से नमक डालो, लाल मिर्च डालो और ज़रा सी हल्दी डालो और कुछ चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ नमक, लाल मिर्च और हल्दी। अब तड़के में बॉयल आए, इसको सिम गैस पे 15 से 20 मिनट रहने दो। वो टमाटर पक जाएँ, कुकर ठंडा हो जाए तो टमाटर जो है वो दाल में डाल दो और गरम मसाला डाल के एक दाल में उबाल दिला दो। और अगर दाल गाढ़ी हो तो पानी डाल लो, अगर पतली हो तो थोड़ी देर एक्स्ट्रा गैस पे रख दो। आपकी दाल रेडी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।